हे गाइस, वेलकम टू साइबर एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल एंड दिस इज शैलेंद्र है। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट के बारे में देखेंगे, उसके वल्नरेबिलिटी के बारे में जानेंगे एंड कौन से उबंटू पे वल्नरेबिलिटी वर्क करता है, सारी चीज़ प्रैक्टिकली देखने वाले हैं और एक्सप्लॉइट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो गाइज, अगर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड फॉर सपोर्ट मी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। सो गाइज, बेसिकली दिस इज द माई एक्सप्लॉइट एंड आई गोना शो यू फॉर दिस पर्टिकुलर। सो गाइज, बेसिकली देखो, ये एक्सप्लॉइट कहाँ पे वर्क करता है। तो एक्सप्लॉइट वर्क करने के लिए आपको कर्नल 3.13.0 लेस देन 3.19 होना चाहिए, ठीक है। इस कर्नल, अगर आपका उबंटू का कर्नल ये है, लिनक्स कर्नल ये है, तो ये पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट आप पे वर्क करेगा। अगर आप इससे अप वाले कर्नल पे यूज करते हो तो नहीं करते हैं। उबंटू वर्जन कौन कौन से, ये कर्नल किस उबंटू सीरीज में पाया गया है, तो ये है 12.4 एंड 14.04, 14.10 एंड 15.04। अगर उबंटू का इस वर्जन आप इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल किए हुए, देन आप इस टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हो। इफ अगर आपने इस वर्जन नहीं यूज कर रहे हो, आप उबंटू 19 यूज कर रहे हो, 18 यूज कर रहे हो, देन आप इस चीज को परफॉर्म नहीं कर सकते हो, आप एरर पाओगे, ठीक है। सो दिस, सो बेसिकली दिस इसका नाम EBD ID, आई थिंक आपको पता होगा। मैं ज़ूम करके चलता हूँ कि आपको एक्सप्लॉइट DB के बारे में पता होगा, अगर आप इस फील्ड में हैं तो, ठीक है। तो EBD ID है इसका 37292 एंड CV नेम 2015 एंड 1328, ओके। एंड पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट रिलीज हुआ था, मतलब वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट किया गया था कब, डेट को 2015 में 15/16 एंड 6। प्लेटफॉर्म कौन सा, लिनक्स पे वर्क करेगा, विंडोज पे नहीं करेगा। टाइप लोकल है एंड ऑथर इज द रिबल। सो गाइज, ऑथर के लिए क्लैपिंग, जो इस वल्नरेबिलिटी को बारे में बताया, ठीक है। तो क्लैपिंग के तौर पे आप कमेंट में कुछ भी करें, वल्नरेबल है आप, एक्सप्लॉइट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे चीज़ दिए हुए हैं। तो इसका नाम है एक्सप्लॉइट, टाइटल्स है, ठीक है। ओवरलेस लोकल रूट इन उबंटू, ओके। सो गाइज, बेसिकली इस एक्सप्लॉइट का यूज़ क्या है। सो गाइज, सपोज आप एक नॉर्मल यूजर हो, देखो प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए, ठीक है, लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन। सपोज मान लेते हैं आप एक नॉर्मल यूजर हो, नॉर्मल यूजर का और आप चाहते हो कि हमको रूट एक्सेस मिल जाए और आपको पासवर्ड पता नहीं है रूट का, ठीक है। देन आप इस एक्सप्लॉइट का यूज करके आप इजिली विदाउट पासवर्ड आप रूट एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से इस पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट को डाउनलोड कर सकते हो, मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ हूँ, ठीक है। और सो गाइज, सबसे मेन बात है कि देखो ये कर्नल आप इस तरीके से UNM-A करके चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, तो उबंटू लिनक्स मिंट है, तो ये मेरा UNM-A। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कर्नल ये 5.something है, ठीक है, 5.0.0। तो ये इस कर्नल पे ये एक्सप्लॉइट वर्क नहीं करेगा। ये किस पे वर्क करेगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, लिखा हुआ है साफ साफ क्लियर शब्दों में कि 3.13 पे ही वर्क करेगा एंड 3.19 से नीचे जो भी है उस पे वर्क कर सकता है, ठीक है। तो इस पे नहीं वर्क करेगा। तो उसके लिए आपको 12.04 से लेकर 15.04 तक आपको होना चाहिए, देन आप इस एक्सप्लॉइट को। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने वर्चुअल बॉक्स पे 12.404 उबंटू को इंस्टॉल किया हूँ, ठीक है, एंड देन इस चीज़ को परफॉर्म। सो बेसिकली इसका यूज़ है, देखो प्री CTF में, मैंने CTF के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, कई वॉक थ्रू में भी मैंने दिखाया है, तो वहाँ पे इस चीज़ को, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं एक्चुअली इसको कंपाइल करके रखा हूँ, ठीक है। तो CD एंड डाउनलोड में जाओ एंड 37.2। सो गाइज एग्जीक्यूट किया, सो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे रूट एक्सेस नहीं मिला। सो इस जो कि मैंने बताया, अभी मैं 12.0 जो कि वर्चुअल बॉक्स पे मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ, ठीक है। अभी मैं LS करके देखता हूँ, यहाँ पे नहीं है। CD डाउनलोड में जाता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट अगर आपको विजिबल नहीं होगा तो, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू इसको बड़ा कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो होगा किसी तरह का इशू,
तो मैं उसको बाद में सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं चलो टर्मिनल को ही ओपन बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एलएस करके देखेंगे। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एलएस करके मैंने देखा, ठीक है। तो एलएस करके दिखा, ये मेरा ये है, ठीक है, एक्सप्लॉइट है जो कि मैंने डाउनलोड करके रखा हूँ, ठीक है। ये वाला एक्सप्लॉइट यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे यूनेम हाइफन ये करके आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो कर्नल यूज हो रहा है 3.13 यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप डाउनलोड करने के लिए अगर एक्सप्लॉइट आपको नहीं मिलता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप नॉर्मल क्या करना है, यहाँ से लिनक्स से लेके यहाँ तक कॉपी करना, ठीक है, Ubuntu तक, और जस्ट गूगल कर देना, इसको कॉपी करना और गूगल करना, आपको सेम एक्सप्लॉइट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है जिसकी वजह से, सो गाइस देख सकते हैं जो फर्स्ट मेरा लिंक अपीयर हो रहा है वही मेरा क्या है, एक्सप्लॉइट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लॉइट को डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाऊँ। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, कंपाइल करना है, ठीक है। तो कंपाइल करने के लिए जीसीसी 3. something जो भी आपका फाइल का नाम है .c हाइफन हो, अगर किसी तरह का फाइल का नाम आप देना चाहते हो तो चल सपोज मैं फाइल का नाम दे देता हूँ एक्स रूट करके, ठीक है, रूट दे दिया। इस तरीके से हमारा सक्सेसफुली जो कोड था वो कंपाइल हो चुका है। अभी एलएस करके देखते हैं, रूट नाम का एक फाइल बन चुका है जो कि कंपाइल्ड है, ठीक है, सी प्रोग्राम को कंपाइल किए हैं मैंने। अब इस चीज़ को नॉर्मली आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट कर देना है। सो गाइस अभी मैं हु एम आई करके दिखा देता हूँ आपको, हु एम आई करके अभी मैं कौन सा यूजर में हूँ, साइबर एक्सप्लोर जो कि एक नॉर्मल यूजर है, ठीक है। बट अभी हमको क्या करना है, सपोज मान लेते हैं, ओ आई एम सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, ये स्टार्ट हो गया तो मैं इसको क्लोज करना चाहूँगा, क्लोज कर दिया, ठीक है, और इसको भी क्लोज करना चाहूँगा, चलो इसको बाद में करते हैं क्लोज, और इस पर चले जाते हैं और CD डाउनलोड्स पे एलएस किया रूट नाम का, और इसको नॉर्मली क्या करना है आपको, एग्जीक्यूट कर देना है रूट जो कंपाइल फाइल हुआ। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमको रूट एक्सेस मिल चुका है, यानी क्योंकि हैश टोकन सिंबल है। अभी मैं इसको हु एम आई करके भी आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे रूट एक्सेस हमको मिल चुका है। तो आप इस पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट को पर्टिकुलर Ubuntu वर्जन में आप प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने इस पे एक CTF भी बनाया, बहुत जल्द आपको CTF वाला पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ को सॉल्व करना, मैंने 3 flags उसके अंदर डाले हैं और बहुत इजी लेवल का CTF बनाया है। CTF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट अभी नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने अभी अपलोड नहीं किया है। तो अगर आप वीडियो अभी आप जस्ट देख रहे हो तो मैं आपको ऐसे अपडेट दे दूंगा अपने चैनल पे कि मेरा CTF जो CTF मैंने अपलोड किया है वलना पे वो मिल जाएगा आपको पर्टिकुलर वर्जन के लिए, ठीक है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, एंड सपोर्ट मी गाइस। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। सो गाइस देख सकते हैं आपकी मैंने पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट जो वल्नरेबिलिटी आई थी उसके लिए मैंने अलग से एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक करें एंड सपोर्ट करें हमें, एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।